देसी बियर ग्रिल बन चुके हैं हम लोग। चलो आ जाओ, ये पहाड़ी पे जाना था हमको। देखो गांव भाई, आते ही आते जय श्री राम चिल्लाने लगा ये। तो भाई ये रहा अपना बिहार और इधर रहा झारखंड, और सबसे ऊपर है हम। और यहाँ से भाई बैठे हैं ना, जहाँ गिरने के बाद जाएंगे सीधा गड्ढे में, इधर डगरते 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 पहुँच जाएंगे गाँव में। और सनसेट व्यू देखने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। यार बिना चैन का रे प्यार। गुड मॉर्निंग। और भाई सुबह सुबह उठे, थोड़ा बहुत वीडियो एडिट करा, वीडियो अपलोड करा पिछला प्रीवियस ब्लॉग। और भाई देखे तो बाहर धूप निकल रखा है भाई, रात को बारिश आया है तो पूरा मौसम भाई बारिश वाला हुआ था, लेकिन अभी ठीक है, धूप निकला है। और भाई सोचे थे सुबह, मतलब रात में ही सोचे थे कि सुबह उठकर जाएंगे पहाड़ पे सनराइज देखने, तो अभी तो उठ पाए नहीं सुबह ज़्यादा। इतना ज़्यादा सनराइज ऑलरेडी हो रखा है, तो प्लान बनाते हैं, सोच रहे हैं कि शाम को क्यों ना पहाड़ चला जाए। तो देखते हैं, प्लान बनाते हैं, क्योंकि भाई पहाड़ पे अकेले जाना मज़ा नहीं आता है। भाई घूमने जाना था, पढ़ाई कर रहा है तो कितना देर पढ़ोगे? जब तक कंप्लीट ना हो जाए। पूरा कंप्लीट करके उठोगे तब आते हैं हम घूम फिर के, तो इसको लेकर जाएंगे। नहीं पढ़ रहा है, इसको छोड़ के जाना पड़ेगा। शाम का टाइम हो गया और अभी इसको सिर्फ लेकर, बाकी सब तो गया है घूमने, तो ये छोटा बच्चा है चीकू। लास्ट टाइम भी इसके साथ गए थे वहाँ पहाड़ी पे, और अभी भी सोचे कि भाई चलो चला जाए। सुबह से बाहर नहीं निकले थे, घर पे कुछ काम चल रहा था जमीन का, तो इस वजह से बार बार बाहर ना आ जा सकते थे, तो इस वजह से जो बाकी सारी काम था वो करके सोचे कि चलो सनसेट देखेंगे। और सनसेट भाई चेकआउट करो, अभी जाके पहाड़ी से देखेंगे, इसलिए जा रहे हैं हम दोनों लोग। कल गए थे तो पहाड़ी घूमने के लिए, टायर पंक्चर हो गया था तो अलग ही दुख हो गया, तो सोचा तो क्यों ना जो पास का पहाड़ी है उसी पे चला जाए। एक बार गए थे भाई, बहुत मजे किए थे हम लोग, एकदम अच्छा लगता है भाई। और लेकिन कल गए लोग तो अलग दुख हो गया हम लोग की जिंदगी में, टायर ही फट गया था स्कूटी का, इस वजह से कल कहीं नहीं जा पाए लोग। तो सोचे आज तो भाई जाएंगे ही घूमने पहाड़ी पे, पैदल पैदल क्यों ना जाना पड़े। इधर तो गाड़ी से जा नहीं सकते थे लोग, क्योंकि इस वाले रास्ते से जाना पड़ रहा है हम लोगों को। भाई इधर भी बगीचा है देखो भाई, इतना नीचे नीचे आम है, चाहो तो तोड़ सकते हैं, लेकिन कौन ही तोड़े, कच्चा आम कौन खाए। थोड़ा टाइम बाद पकेगा तो कोई बात होगा। अच्छा डोरीमन के गैजेट चाहिए तुमको? बोल रहा है कि स्कूल बस का भी फी नहीं लगता, और इस डोरीमन वाला गैजेट रहता तो उड़ के जाता। मिलेगा मिलेगा तुमको, चलो गैजेट देते हैं। ये जो पैर है ना वही गैजेट है डोरीमन वाला ही, इससे चल के चलो। तो भाई यहाँ पहाड़ी तक तो आ गए, अब बस चढ़ाई स्टार्ट है, अब बस चढ़ते जाना है ऊपर की तरफ भाई, सनसेट होने को ही है। उस टाइम उस रास्ते से गए थे लो, अभी ये नया वाला रास्ता ट्राई कर रहे हैं लो। नया क्या है, पुराना ही है हम लोग के लिए, नया है बस। अब इधर से पहाड़ी पे जल्दी जाना है भाई, इसलिए ये वाला रास्ते से जा रहे हैं लो। कितना सुंदर सनसेट यहाँ से दिख रहा है, यही देखने के लिए आना था हमको। अभी ऊपर और जाना है भाई, अभी तो बस इतना ही आया है लोग यहाँ से। भाई गिरने पर देखो क्या हाल होगा, देखो गाइस क्या हाल होगा, यहाँ से पैर फिसलेगा तो सीधे गड्ढे में। इधर से कुछ घर भी है कुछ लोगों का, जो यहाँ पे घर बना के रखे हैं। तो अब ये थोड़ा रास्ता अजीबो गरीब है, लेकिन जाना इधर से ही पड़ेगा अगर जल्दी से सनसेट देखना है तो। गाइस हम लोग को जल्दी जल्दी कैसे भी आना था, क्योंकि 6:12 में भाई हम सनसेट टाइम देखे थे, 6:02 हो रहा है, सनसेट होने से पहले ही पहुँचना पड़ेगा। ऐसा रास्ता है, लेकिन ये रास्ता थोड़ा जल्दी पहुँचाया हम लोगों को। भाई देसी बियर ग्रिल बन चुके हैं हम लोग, चलो आ जाओ। यहाँ आना था भाई पहाड़ी पे, देखो भाई चेकआउट करो, ये पहाड़ी पे जाना था हमको। हो देखो गांव भाई, आते ही आते जय श्री राम चिल्लाने लगा ये। इधर तो गांव है, चेकआउट करो एक बार गांव का नजारा, और असली चीज दिखाऊं भाई, असली चीज चलो दिखाता हूँ ऊपर से। झारखंड पहले छोड़ो, पहले रियल देखो, ये देखो गाइस, उधर सलेमपुर, ये देखना था असली। चलो इसके घाट देखते हैं। ओहो ये असली सनसेट व्यू भाई। भाई चेकआउट करो कहाँ खड़े हैं हम, ओहो पहाड़ों के ऊपर। ये रहा भाई पूरा नीचे गांव, इधर रहा झारखंड, इधर रहा बिहार, और यहाँ से देखो सनसेट भाई। सनसेट देखने का तलब बोलते हैं इसको। देखो यहाँ से सनसेट, पूरा व्यू दिख रहा है भाई पहाड़ के ऊपर से, सबसे ऊपर हम हैं।
तो भाई ये रहा अपना बिहार और इधर रहा झारखंड, और सबसे ऊपर है हम, और यहाँ से भाई बैठे हैं ना जहाँ गिरने के बाद जाएंगे सीधा गड्ढे में, इधर डगरते 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 पहुँच जाएंगे गांव में, और सनसेट व्यू देखने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। बस सनसेट होने वाला ही है तो भाई अब बस थोड़ा सा बाकी रह गया है सनसेट में, एकदम थोड़ा सा इतू सा। यहाँ देखो टैनन है, गाइस देखो यहाँ भी लोग आए हैं, यहाँ पे एकदम नीचे यहाँ से दिख रहे हैं लोग। देखो वो कहाँ गया है, वो बगल वाले पे गया है, मैं यहाँ बैठा हूँ यहाँ से सनसेट एंजॉय कर रहा हूँ, और वो लड़का वहाँ गया है। सो गाइस फाइनली देख सकते हो सनसेट हो चुका है, बस इतू सा दिख रहा है यहाँ पे। चलो इस पहाड़ों में घर होने का एक फायदा है कि आप सनसेट और सनराइज का पूरा मजा ले सकते हो। तो यहाँ देखो हम लोग का घर तो यहाँ से थोड़े दूर पे है, वहाँ पे है, वहाँ पे ये रहा, दिखाई दे रहा होगा भाई, हाँ यहाँ ये रहा मेरा घर। और भाई इतना सारा घर है इधर पहाड़ के नीचे, नहीं भाई हम लोग एकदम पहाड़ के ऊपर, मस्त मस्त हवा भी चल रहा है, देखो भाई हवा भी एकदम अच्छा वाला चल रहा है। एक स्ट्रगल दिखाते हैं, इन सारी चीज़ों पे चढ़ के जाना पड़ता है पैदल पैदल, तब जाके एक रील्स बन पाता है कहीं से, उतना रील्स तो बनाते हैं नहीं, व्लॉग से ही टाइम नहीं मिलता है कि रील्स बनाए इंसान। और यहाँ पत्थर पे बैठेंगे तब जाके बनाएंगे रील्स। देखो भाई इधर तो अलग ही दुख भरा है, ऐसा नहीं है कि माउंटेन्स पे सिर्फ अच्छाई ही है, बहुत सारी बुराई भी है, जैसे कि ये सब कांटा, और हम स्लीपर पहन कर आए हैं, वाह। रास्ता नहीं देख रहा भाई, ये देखो भाई चेकआउट करो, इधर स्लाइड होता होगा भाई, पूरा बह के चला जाता होगा भाई, ये सारा पत्थर स्लाइड होकर ही गया है सब टोटल। जब आए थे तो हम लोग इधर से चढ़े थे, लेकिन देखो टोटल स्लाइड हो चुका है, तो यूं 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 घूम कर इधर से आकर चढ़े थे, तो इधर पूरा गिरा हुआ है, तो इधर से ना जाने लायक है ना आने लायक। देखो भाई यहाँ से टैन भाई कैमरा में छोटा सा लग रहा है, लेकिन सामने से जब देखो ना गिरने के बाद शायद ही हाथ पैर एक जगह पर सलामत बचेगा। चलो फिर से चलते हैं ऊपर में, अब तो बहुत बच्चे भी आ चुके हैं यहाँ पे, लोकल बच्चे यहाँ के लोग। तेरे हवाले कर दिया, भाई साहब देखो कांटा वाला पेड़ पकड़ रहे हैं हम, आ रहे हैं रुको, हाँ आ रहे हैं आ रहे हैं। इधर सनसेट हुआ बैकग्राउंड में, और इधर से देखो मूनराइज हो चुका है भाई, तो वहाँ पे भाई यहाँ पे मूनराइज हो चुका है, और देखो कितना सुंदर मून दिख रहा है यहाँ से भाई। भाई पहाड़ों का कुछ तो फायदा है कि नेचुरल, देख लो इसके इसके अलग, ये तो अलग नमूना है भाई, इसके अलग ही दुख है जिंदगी के, हमेशा इधर उधर उछल कूद मचाते रहता है, क्या तुम्हारे दुख खत्म ही नहीं होते हैं भाई। पहाड़ों पे आके कहीं भी किसी पत्थर पे बैठ जाओ, मस्त हवा भी भाई, इतना मस्त हवा लग रहा है, अलग ही वाइब है यहाँ का, शांत शांत। इधर से इधर से चलो ठीक है, ये भी देख लेते हैं यहाँ पे। भाई देखो बहुत सारे बच्चे भी आ गए हैं अब तो भाई, आज फाइनली कहीं से तो बैठ के, कहीं कोई तो पहाड़ पर से बैठ के देखे हम सनसेट, क्योंकि भाई कितना दिन से सोच रहे थे कि पहाड़ के ऊपर से जाकर सनसेट देखना है, सनसेट देखना है, तो चलो आज फाइनली सनसेट भी देख लिए, और यहाँ से भाई सुंदर सा मूनराइज भी देख लिए। देखो यहाँ से सुंदर सा एकदम मस्त दिख रहा है भाई पहाड़ों के ऊपर, चलो इसके नमूना है, मतलब चल के भी उतर सकता था, लेकिन नहीं भाई चल के तो शायद ही उतरेगा, थोड़ा मुश्किल है भाई यहाँ से उतरना यूं यूं बिना सड़क का। पहाड़ों में जो जिंदगी है ना, जितना ही खूबसूरत है ना भाई, खूबसूरती ये है, नेचुरल चीज़ है ठीक है, और प्रॉब्लम उतना ही है ज़्यादा, ये है भाई प्रॉब्लम भी। यहाँ से अगर कोई भी बच्चा गिरा, छोटा बच्चा, तो गया भाई,
अलग अलग निकल जाएगा, एक बच्चा गिरेगा तीन चार बच्चा आएगा उधर से। ये तो दुख है। देखो अभी भी सनसेट का इधर से थोड़ा थोड़ा व्यू दिख रहा है, लेकिन सनसेट हो चुका है। अब भाई पूरा इधर से जंगल होकर जाना पड़ेगा, जाते जाते अंधेरा ना हो जाए। चलिए उतर के आ चुके हैं। और देखो भाई इधर बगीचे में कितना सारा चिड़िया का आवाज आ रहा है। गाइस देखो यहाँ से अब कितना सुंदर चांद दिख रहा है, एकदम मस्त वाइब आ रहा है भाई। पूरा विलेज वाला जो प्रॉपर होता है ना वो वाला। तो मैंने ड्रेस चेंज करके डिनर भी कर लिया, और भाई पैर का तो बैंड बज चुका है, पूरा हालत ख़राब हो रखा है। चढ़ने में भाई पहाड़ पे हालत ख़राब हो जाता है, और स्लीपर पहन कर जाओ तो और ज़्यादा। आई होप आपको ये सनसेट वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए इनकलाब जिंदाबाद।